सो भाई पिज्जा हट ने है ना ये एक नई सी चीज इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है मेल्स। ओ यस थैंक यू। तो भाई ये अंदर से कुछ इस तरह से होता है। ओए 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 अगर आपको यहाँ पे कोई भी गेम्स वगैरह खेलनी है तो आप ये पैकेजेस यहाँ पे ले सकते हो जिसके अंदर 1100 से लेके 2700 तक के पैकेजेस है एंड एक गेम है 110 रुपए की। मेन सेक्शन ज्यादा अच्छा लगता है शॉपिंग के लिए। टच द स्क्रीन टू स्टार्ट। व्हाट कैन आई ब्रिंग यू? ओह माय गॉड। सो भाई आ चुकी हूँ मैं अपने गरीबो वाले आउटलेट पे जो के है मैक्स। यहीं पे हमें सबसे ज्यादा सुंदर सस्ते और टिकाऊ कपड़े मिलते हैं। तो हम आ चुके हैं न्यू मी। ये वाला आउटलेट में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। अट्रैक्ट हुई हूँ इसकी वजह से। चलो देखते हैं अंदर क्या है। होने वाला है एक बहुत ही चिल व्लॉग। कुछ ज्यादा प्लानिंग व्लानिंग नहीं है हम लोगों की। हम लोग जाने वाले हैं इन्फिनिटी मॉल जो कि मल्लाड़ के अंदर लोकेटेड है। ऑलराइटी, तो आज की सारी फुटेज होने वाली है हमारे इस मोबाइल के कैमरे से। वैसे तो मेन गेट अलग है एंट्री का, बट हम लोग बैक रोड से आने वाले हैं जहाँ पे पार्किंग होती है। तो चलो भैया हम आ चुके हैं। जैसे हम मॉल पहुंचे हैं हमें सबसे पहले अपना एक रिचुअल कम्प्लीट करना होगा और वो है सुसु जाना। मतलब आप मॉल के अंदर आए और सुसु नहीं किया तो क्या ही मॉल आए। अब हम लोग ऊपर जाके वापस से नीचे आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? समथिंग अब क्या फायदा जब मैं भूल गई तब तक रिकॉर्डिंग नहीं की। अब तक तो रिकॉर्डिंग कर रही है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डेविड है। डेविड, हाँ दिस इज माय चैनल। Thank you. But we are in main sections. We have to go there. मुझे main section ज़्यादा अच्छा लगता है shopping के लिए। Mall से कपड़े लेने का मेरा एक उसूल है 1000 या 1500 के अंदर अंदर होने से। Sizes ले रही है दोनों try के लिए। भाई कुछ भी बोलो, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इतना बड़ा ट्रायल रूम, सीरियसली। टच द स्क्रीन टू स्टार्ट। व्हाट कैन आई ब्रिंग यू? ओह माय गॉड। तो चलो भाई यहाँ पे मुझे जिम वेयर तो नहीं मिला बिकॉज मुझे चाहिए अपने लिए कोई स्पोर्ट्स के कपड़े। सो अब मैं जाऊँगी मैक्स में। बट ये भी अच्छा था ना, ये भी अच्छा था। इनका कलेक्शन एक्चुअली अच्छा है। मम्मा कहाँ रह गए? मम्मा कॉल आने के बाद इनको जो मेले वाली फीलिंग आती है मम्मी को। कम ऑन मम्मी, कम ऑन। यस संभाल संभाल। सो भाई मैं आ चुकी हूँ अपना सबसे पहले सलामी देने के लिए, वो है मिनीसु। तो भाई 700 रुपए की पानी की बोतल, वैसे पानी की नहीं हो सिपर। बाय द वे मिनीसू आने का सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि यहाँ सबसे क्यूट क्यूट सी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। ओह कितना क्यूट सा सेक्शन है ये। मम्मी ऑलमोस्ट कैमोफ्लेज हो ही गए थे पिंक के साथ में। मिनीसू से आप कुछ लो या ना लो, लेकिन यहाँ पे एक बार आना बिल्कुल होती है। तो भाई आ चुकी हूँ मैं अपने गरीबो वाले आउटलेट पे जो के है मैक्स। यहीं पे हमें सबसे ज़्यादा सुंदर सस्ते और टिकाऊ कपड़े मिलते हैं स्पेशली अपने जिम के लिए। बट फिलहाल लगी है भूख तो सबसे पहले कुछ ना कुछ खा लेते हैं उसके बाद जाते हैं। भूख लगी है ना आपको? पहले कुछ खा लेते हैं, आ जाओ। तो भाई चलो अभी आ चुके हैं हम लोग फूड कोर्ट में। कोर्ट फूड कोर्ट में ऐसा बैठने की कोई जगह नहीं। आई थिंक एक दो कोई सीट के ऊपर मुझे लपकना पड़ेगा अपना फ़ोन बंद करके। बाद में आपको आएगा बताती हूँ मैं। सो भाई इस भाई मॉल के अंदर हम लोगों को मिल रही है एक कुप्ची के अंदर सीट। वैसे यहाँ पे भी जाया जा सकता है टाको बेल में। टाको बेल पसंद है? नहीं। सो भाई अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज रहने का, अभी बाहर से कुछ खरीदना नहीं है एंड पिज्जा हट जाने का प्लान बना रहे हैं। लेट मी सी अंदर जगह है भी कि नहीं।
के अंदर आउटलेट होते हैं, चाहे पिज्जा हट हो गया, चाहे कोई भी क्यों ना हो गया, इन आउटलेट्स के अंदर बैठे खाना ज़्यादा बेटर होता है बिकॉज यहाँ का एक जगह से चल रहा होता है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा प्राइवेसी आपको मिल जाती है। वहाँ पर टेबल की बिल्कुल बाजू में लगे दूसरे टेबल होता है। अगर आपको अलग अलग आउटलेट से खरीद के कुछ चीज़ नहीं खानी है तो आप इस तरह से किसी भी एक आउटलेट के अंदर यहाँ पर बैठे खा सकते हो। बाय द वे यहाँ पर और कौन कौन से ब्रांड्स हैं एंड खाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बट पहले हम लोग खुद कुछ खा लें। ऑलमोस्ट अभी 4 बजने वाले हैं एंड हम लोगों ने लंच भी नहीं किया। थैंक यू। ये है एग्जॉटिक गार्लिक ब्रेड। सो भाई पिज्ज़ा हट ने है ना ये एक नई सी चीज़ इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है मेल्स। ओ यस, थैंक यू। सो भाई ये अंदर से कुछ इस तरह से होता है। ये है चिकन लोडेड बारबेक्यू। ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यस, गो अहेड गो अहेड। चटका लगा। ओ हाँ भाई, बहुत ज़्यादा गया है। मैं पेप्सी नहीं लाया, मुझे उसको याद दिलाना पड़ेगा बिकॉज अभी हमने जो ऑर्डर भी किया था ना उसमें बस वो एक ये वाली प्लेट ला के उसने छोड़ दी दिया, लाइक बस यही दो मिल चाहिए। हम लाइक नहीं, दो प्लेट्स आएगी बिकॉज जो वाला हमने ऑर्डर किया है उसमें दो आने चाहिए। अब हम इसकी फर्स्ट बाइट लेंगे। बहुत गर्म फाइनली। इतना वेट करने के बाद हमारा पास्ता आ चुका है। ये रहा हमारा पास्ता। बेबी, हेलो बेबी, हेलो बेबी। अपना अपना साइड प्रोफाइल दिखा रही है। मेरा फेस पूरा नहीं दे। हाय बेबी, चीट डे के नाम पे जो मैं खा रही हूँ ना ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे अपना पास्ता हो गया, मैं ख़त्म करती हूँ एंड देन निकलती हूँ दोबारा से शॉपिंग करने के लिए। सो भाई यहाँ पे किंग से लेके क्रेजी कैंडी शॉप सब कुछ है, वॉफल है। बाय द वे जिस जिसको नहीं पता है फूड कोर्ट के पास में ही सिनेमा हॉल भी है। बट फिलहाल रोलर कोस्टर तो हम लोग बाद में जाएंगे। हाँ ये जाएगी रोलर कोस्टर बाद में जाके बैठेगी सुविधा और मम्मी। बट फिलहाल मुझे मैक्स से थोड़ी सी ट्रैक पैंट वगैरह अपने लिए लेनी है। मैं वो हूँ जो कि मैं मीशो वगैरह से भी कपड़े वगैरह ले लेती हूँ, सस्ते सुंदर टिकाऊ। प्रॉब्लम ये है कि जब आप वर्कआउट वगैरह करते हो ना तो उसके अंदर स्पॉर्ट्स करते टाइम पे जो भी सस्ती वाले ब्रांड्स होते हैं ना यूजुअली उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट हाँ मैक्स के अंदर क्या ना थोड़े से अफोर्डेबल मुझे स्पोर्ट्स के एटलीस्ट कपड़े वपड़े मिल जाते हैं, सो वाई नॉट। बट अगेन अपना रूल हमें नहीं भूलना है, ट्रैक पैंट्स हमने 1000 से 1200 मैक्स उतने के अंदर अंदर ही हमें लेनी है, चाहे वो मैक्स हो चाहे कोई भी दूसरा आउटलेट क्यों ना हो। सो लेट्स सी। जबकि मैं जिम रेगुलरली जा रही हूँ सो आई थिंक मुझे एक नया बैग भी लेके लेना चाहिए। लो भाई शॉपिंग हो चुकी है। हम लोग को ना एक्चुअली यहाँ पे ऐसा मेंबरशिप दे रहे थे कि आप कुछ 250 रुपये दोगे तो आपको साल भर की आपको मेंबरशिप वगैरह मिल जाएगी। बट द थिंग इज मैंने एक्चुअली उसके बाद बोली कि भाई अब जो मैंने शॉपिंग की है ना अब सीधा 2 साल के बाद ही आओगी मैं, क्योंकि भाई ब्रांडेड कपड़े लेने का मतलब ही होता है कि आप उसको बहुत टाइम तक उसको चला सको। बार बार अगर मुझे कपड़े लेने हो तो क्या ही सेंस बनता है, तो मैं मीशो वगैरह से अपने कपड़े पे ऑर्डर कर लूँ। बट यस ये मुझे अब चलेंगे 2 साल तक। चलो भाई चलो, क्या हो गया, खत्म ना हुई तुम लोगों की शॉपिंग? हम लोग तो ऐसे पीछे से आए हुए थे बट एक्चुअली जो मेन एंट्री जो लेते हैं ना नीचे सामने से, यहाँ मेन डोर से अगर हम लोग एंट्री लेके आते ना तो आते के साथ हम लोग को ये दिखाई देता। वैसे तो यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स के लिए चीजें लगी होती है बट फिलहाल यहाँ पे बस गाड़ियाँ लगी हुई है और मेरे को बस एक ही गाड़ी समझ में आती है और वो है नैनो और जैगुआर लिखा है और कौन सी है पता नहीं। बट यहाँ पे भैया बाइक्स खड़ी है, बहुत ही ज़्यादा चेकची बाइक चाहिए। ओह माय गॉड। सो हम आ चुके हैं न्यू मी, ये वाला आउटलेट में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैं अट्रैक्ट हुई हूँ इसकी वजह से। चलो देखते हैं अंदर क्या है। तो वहाँ भी दिखाई थी अपने, बहुत ज़्यादा क्यूट है ये। लेट मी सी रहने देते हैं भाई। वैसे तो हम लोग गेमिंग जोन जा रहे थे बट बीच में हमें न्यू मी मिल गया तो हमने थोड़ा सा छानबीन अंदर कर ली
बट अब वक्त आ गया है गेम्स खेलने का। ये अभी हम लोग खेलेंगे गेमी में। वो छोटी सी है यहाँ वाली है, बड़ा है भाई। आई एम एक्चुअली सरप्राइज के सैटरडे का दिन है एंड उसके बावजूद भी इतना ज्यादा खाली क्यों है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी गेम्स वगैरह खेलनी है तो आप ये पैकेजेस यहाँ पे ले सकते हो, जिसके अंदर 1100 से लेके 2700 तक के पैकेजेस है एंड एक गेम है 110 रुपए की। भाई हमें ये कार्ड मिल चुका है, सबसे पहले मैं तो नहीं जा सकती भाई इसमें। वो देखो सामने, वो देखो जाएगा, जोर से गिरेगा। अरे बाप रे, देखना भी। ये अब जाएगा, देख के डर लग रहा है इसको। जाएगा भाई लोगों की अगर आपको चीख सुनाई देवे कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये उधर जा रहे सब लोग। खत्म हो गया, डर नहीं लगा? नहीं, अच्छा फोन नहीं लेके जा सकते। हाँ। फोन गिरने का डर। एक बंदा ने चश्मा अपना उतार के दे दिया आगे वाले को, तो तभी वो समझ में आया कितना खतरनाक ही है। बाय द वे यहाँ पे आपकी हाइट भी देखी जाएगी एंड उसी हिसाब से आपको अंदर अलाउ किया जाता है। मम्मी एंड विदा अंदर जाने वाले है। ऐसा लगा राइड, मजा आया, डर लगा भाई? राइड में ये लोग बैठे थे, उनको देख के प्यास मुझे लग गई। यहाँ पे सही में गरबा चालू हो चुका है भाई। अब वक्त आ गया है मेरे भी डैशिंग कार में जाने का। अब ऑब्वियसली मैं डैशिंग कार के अंदर रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि दोनों के दोनों हाथ बिजी हो गए हैं यहाँ वहाँ ठोकम ठाकी करने में। बैग आपके पास रख सकते हैं ना, बैग रखने के लिए वहाँ पे जगह बनाया हुआ है ऐसे। चलो चलो आ गए अपनी मर्सिडीज। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भैया हो गया हमारा गेम खेल खेल के। ऑब्वियसली यार हमारे बचपन के अंदर ये मॉल वाला कल्चर नहीं था, बट आई डोंट थिंक सो कि ये सब गेम्स वगैरह बस बच्चों के लिए है। अगर आप बड़े भी क्यों ना हो तब भी आई थिंक आई नो कि ये सब गेम्स जो यहाँ पे होती है वो बिल्कुल भी चीप नहीं है, ठीक है। मैं खुद इसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कंसिडर करती हूँ। आई थिंक मैं खुद यहाँ पे गेम खेलने के लिए आई हूँ तकरीबन 1-1.5 साल के बाद। सो यस आई थिंक साल में एक मरतबा तो आप यहाँ पे आ ही सकते हो एंड अगर आप 1000-2000 रुपया खर्चा करना चाहो पूरे एक साल की मैं बात करूँ। ओके आई एम नॉट सेइंग कि आप एवरी वीकेंड यहाँ पे आ जाओ, बट हाँ यार मतलब साल में एक आधा बार तो आपको यहाँ पे आ ही जाना चाहिए एंड इसे भी आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हो आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो के अंदर। आज एक्चुअली व्लॉग वगैरह बनाने का समय कोई मन था नहीं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मुंबई का ऐसी थोड़ा सा एक चिल वाला मैं व्लॉग बना लूँ। थोड़ा सा फैमिली आउटिंग भी हो गई एंड बस थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग भी हो गई। चलिए मिलते हो आपसे, टाटा बाय बाय। सो भाई अभी हम लोग है DIY में एंड यहाँ पे मिल रही है स्टील की स्ट्रॉ, चाहे तो हिलाने के लिए चम्मच है। वैसे यहाँ पे DIY में प्राइसेस बहुत ज्यादा कम है चीजों के, सो गुड। बता कितने का है ये? 15, ये 59 रुपीज का है, जिसके अंदर अलग अलग आपको ऐसे मिल जाएंगे। सो भाई DIY के अंदर ना कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब वाजिब दाम है एंड कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। भाई यू नो कि आपने बहुत ही अच्छा सा अपना टाइम बिताया है मॉल में, जब अंदर आते वक्त सुबह हो एंड जाते वक्त शाम हो चुकी हो।